पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बांग्लादेश के हालातों को देखकर धर्म गुरुओं ने इस पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि भारत सरकार को इस पर अभी से सोचना होगा, क्योंकि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कभी भी भारत में हो सकता है। इसीलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं और हिंदुओं का अकेला देश है, तो देर किए बिना जल्द से जल्द भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हिंदू धर्म गुरु कपिल देव मुनि महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेक्युलरिज्म की बात करने वाले आज देख ले हिंदुओं का क्या हाल है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि खुद एक मुस्लिम है, एक अच्छे पद पर रही वहाँ प्रधानमंत्री के पद पर, वो केवल उनको उस जगह से केवल इसीलिए भागना पड़ा कि उन्होंने हिंदुस्तान का फेवर किया। तो एक बहुत बड़ी सीख है हम लोगों के लिए। जो लोग ये कहते हैं ना कि बोले कि सब एक हैं और यानी कि सबको लेकर चलना गलत बात नहीं है, लेकिन मैं इतनी सी बात जानता हूँ कि जहाँ पर हिंदू कम थे वहाँ पर आज ख़त्म हो चुके हैं। जहाँ पर हिंदू कम थे वहाँ हिंदू ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ हिंदुओं को नामो निशान नहीं है। और जहाँ पर नामो निशान है, तो बांग्लादेश में देख लीजिए कैसे घर में घुस घुस करके उनको मारा जा रहा है। या तो धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, अन्यथा उनको मारा जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है और उनको हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। और जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक रूप में है, वहाँ पर ये लोग कहते हैं कि ये देश जो है ये सेक्युलरिज्म का देश है, हैं यहाँ ये सेक्युलर, क्या वहाँ सेक्युलरिज्म नहीं है क्या? और पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई अन्य देशों में सेक्युलरिज्म नहीं है क्या? जहाँ पर हिंदू है क्या वहीं पर सेक्युलरिज्म होना ज़रूरी है क्या? अगर है तो इसको हिंदू राष्ट्र बना करके भी तो हम कर सकते हैं, जैसे और भी देश हैं। एक हमारे पास में, हिंदुओं के पास में एक हिंदुस्तान, एक भारत ही एक ऐसा देश है जिसको हिंदू राष्ट्र हम बना सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं तो जहाँ भी देखो आप, हैं ईसाइयों के देखिए, मुस्लिम धर्म के देखिए, कितने देश हैं, कोई कमी नहीं है। एक हिंदुओं के पास में बताओ कौन सा देश है जिसको वो कह सके हिंदू राष्ट्र है? केवल एक हिंदुस्तान है, भारत है, जिसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने में सरकार को इतना सोचना पड़ रहा है। वो भी उनके लिए सोच रही है जो हमारे लिए सोचते ही नहीं कभी, जो इस देश के लिए सोचते ही नहीं कभी, और सोचते हैं तो 100 में से मुश्किल से 10, जिनके ऊपर मैं कह भी नहीं सकता कि वो सोचते होंगे। क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद में कहीं ना कहीं जो हिंदू लोग हैं उनको? बिल्कुल होगा, ये अपना रूप दिखाएंगे, वास्तविक रूप तभी निकल करके आएगा इनके दिल में, जो वो तभी निकल करके आएगा, उससे पहले तो आ ही नहीं सकता। सरकार से मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि जैसे इतने सारे देश हैं, सबके अपने अपने अलग अलग देश हैं। पाकिस्तान बोले ये मुस्लिम देश है, ठीक है, और आप चले जाओ यूरोपियन कंट्रीज़ में बोले कि ये क्रिश्चियन देश है, ईसाइयों के देश हैं। तो आखिर हम हिंदुओं का, हम सनातन धर्मियों का, हम भारतवासियों के लिए एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? हिंदू राष्ट्र के लिए घोषित करने के लिए इसको, आखिर हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? आखिर कारण क्या है? जहाँ पर कि हिंदू बहुसंख्यक रूप में है, इसका कारण क्या है, क्यों घोषित नहीं कर रहे हैं? एक कारण बताएं कि इसलिए घोषित नहीं किया जा रहा है इसको हिंदू राष्ट्र। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।